अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 77। आज के इस लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग में कुछ कमांड्स हैं हमारे पास, जैसे कि सेपरेट, क्लीन एंड चेक। इन कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कमांड क्या होते हैं, उन पर काम कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑटो कैड 2007 या ओल्ड वर्जन जो थे उनमें क्लीन का ऑप्शन जो है वो काम करता था, लेकिन जो लेटेस्ट ऑटो कैड के वर्जन आए हुए हैं तो इनमें ये काम नहीं कर रहा। ऑटो कैड 2013 में भी आई थिंक करता होगा, लेकिन 2015 में ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा। और उसके अलावा सेपरेट एंड चेक जो हैं ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन क्लीन के बारे में आपको समझा दूंगा क्लीन का फंक्शन क्या है। अगर कोई स्टूडेंट्स ऑटो कैड 7 या उससे मतलब 2015 से ओल्ड वर्जन यूज कर रहा है तो वो उसी मेथड से अप्लाई करके देख ले तो इंशाल्लाह ये काम करेगा। तो ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शन किस तरह काम करते हैं। तो क्लीन जो ऑप्शन होता है ये बाज आप जब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ना तो अरेज हो सकते हैं, अगर आप अरेज करते हो तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अरेज हो जाता है, या फिर आप डिलीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्लीन का ऑप्शन यूज किया जाता है। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन किया मैंने। अब इस क्लीन का फंक्शन क्या है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं यहां से आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूं और यहां से मैं आपको बताता हूँ, एक मैं सॉलिड फॉर एग्जांपल मैं यहां से कोई भी बॉक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स लिया। अब मैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल लेता हूँ, तो देखें आप आज के जो ऑप्शन में हम काम करेंगे वो सेपरेट है, क्लीन है, शेल तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे बल्कि, और चेक का ऑप्शन है। तो शेल नेक्स्ट लेसन में करेंगे, क्योंकि शेल में हमें कंप्लीट आपको कंप्लीट जो तो 5-6 मेथड से शेल कमांड यूज करना बताऊंगा और चेक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ, मैं सर्कल फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ड्रॉ किया, यहां तक मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल में चाहते हैं इसके ऊपर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम एम प्रिंट की कमांड यूज करेंगे। तो ये एम प्रिंट कमांड मैंने आपको बताया कि एम प्रिंट कमांड का फंक्शन क्या होता है। तो एम प्रिंट कमांड पे मैंने क्लिक किया, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को एम प्रिंट करना चाह रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमसे अब यहाँ पे देखें कुछ पूछ रहा है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या आप सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं, येस और नो। तो मैं येस करता हूँ, मैं सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, येस करता हूँ। तो मेरे पास एम प्रिंट कमांड अप्लाई हो गया, देख सकते हैं एम प्रिंट। अब इस एम्प्रिंट कमांड जो मेरे पास अप्लाई हुआ इसके लिए ना तो मैं ट्रिम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मैं अगर ट्रिम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो देखिए मेरे पास ये काम नहीं कर रहा। मैं डिलीट का ऑप्शन यूज करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। मैं अरेज कमांड यूज करता हूँ, ये एंटर करता हूँ, तब भी मेरे पास ये कमांड यूज नहीं होगी क्योंकि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। तो इस चीज को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्लीन का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मैं क्लीन का ऑप्शन चूज करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्लीन हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि आपका ऑटो कैड 2015 में ऑप्शन काम नहीं कर रहा, इससे पहले वाले जो वर्जन है, इससे ओल्ड जो वर्जन है उन पे ये काम कर रहा है। तो ये जिसने डिजाइन किया ऑटो कैड 2015, तो अब डिजाइनर से भी कुछ ना कुछ गलती तो हो सकती है, लेकिन आप यहां पे देखें तो आपको ये कंप्लीट गाइड भी कर रहा है, कह रहा है रिमूव ऑल रिडक्टिंग एज एंड वर्टिस ऑन अ 3D सॉलिड। 3D सॉलिड के ऊपर कोई भी जो एड्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप किसी एड्स के ऊपर जब कोई काम करते हो, कोई चीज़ बनाई भी होती है तो उसको अरेज करने के लिए यूज किया जाता है। आप F1 यूज करें, F1 प्रेस करके, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो F1 यूज प्रेस करेंगे तो आपके पास हेल्प यहाँ पे ओपन होगी, हेल्प से आपको कंप्लीट इसके बारे में गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन मेरे इंटरनेट में लिमिटेड सिग्नल है तो मैं इसको दोबारा में कनेक्ट करता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद, अगर ये कनेक्ट होता है तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप यहाँ पे हेल्प में जाके आप कंप्लीट गाइड ले सकते हैं इसके इसके मतलब कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन यही है, लेकिन हमारे ऑटो कैड 2015 में ये फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास वो है सेपरेट। तो सेपरेट का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किए हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए मैंने,
तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल लेता हूँ, सर्कल, और अब मैं यहाँ पे इसे एक्सट्रूड करता हूँ। अब मेरे पास ये अलग से ऑब्जेक्ट है, ये अलग से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और मैं इनको यहाँ से शेड भी देता हूँ, प्लास्टिक मैंने शेड दे दिया इसको, और कॉपी करता हूँ, सीपी एंटर या सी ओ एंटर करें, ऑब्जेक्ट को कॉपी करें। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट है। अब जब इन दोनों ऑब्जेक्ट में मैं अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्रुप में, या फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं इनको यूनियन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सॉलिड यूनियन करता हूँ, सॉलिड यूनियन तो मैंने कर लिया। अब मैं जब एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होगा। सॉरी, मैं सॉलिड यूनियन पर क्लिक करता हूँ, इन ऑब्जेक्ट को सॉलिड यूनियन करता हूँ। ओके, अब मैं देखिए एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो रहा है, देख सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट दोनों सिलेक्ट हुए मेरे पास, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को दोबारा सेपरेट करने के लिए हम ये सेपरेट की कमांड यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनियन हो गए तो उनको सेपरेट करना चाहे तो उसके लिए आप यहां से सेपरेट कमांड पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें, तो आपका देखिए ऑब्जेक्ट दोबारा से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि हमें यूनियन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम यूनियन क्यों करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। तो यूनियन करना जरूरी नहीं है कि आपकी यूनियन जो आप ऑब्जेक्ट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट आपने यहां से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यूनियन करेंगे तब हो जाएगा, नहीं। उसके अलावा भी अगर आप सॉलिड स्टेट में काम कर रहे हो तो आप इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपने यूनियन कैसे होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखें, अब यूनियन का फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ, यूनियन कैसे होगा ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से मैं अरेज करना चाह रहा हूँ, मीन मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए मैं यहां से सॉलिड यूनियन या सॉलिड सब्ट्रैक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ। अब देखें तो हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारे पास ये देख सकते हैं यूनियन हो गए। अब ये जब यूनियन हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, तो इनको अब अरेज करने के लिए, सॉरी, इनको अब सेपरेट करने के लिए हम सेपरेट कमांड यूज करेंगे। अब देखें ये दोनों हमारे पास यूनियन हो गए, इनको अब सेपरेट करना है। देखिए मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा सिलेक्ट हो गया, मैं डिलीट करता हूँ, दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो इनको सेपरेट करने के लिए मैं सेपरेट कमांड यूज करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और स्पेस प्रेस करूंगा 2 बार, तो आपके ऑब्जेक्ट फिर सेपरेट हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये फंक्शन है सेपरेट कमांड का। अच्छा, सेपरेट कमांड के बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपके पास चेक। तो चेक कमांड जो होते हैं हमारे पास, जो सॉलिड एडिटिंग हमारे पास, देखें अभी ये हमारे पास सॉलिड एडिटिंग कंप्लीट हो रहा है, चेक कमांड के ऊपर कंप्लीट हो रहा है, देख सकते हैं। अब ये चेक कमांड में कंप्लीट हो रहा है सॉलिड एडिटिंग, ये देखें चेक में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका फंक्शन ये है, जो इस पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास देखें सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऑप्शन यहां पे आ गए। कह रहे हैं इंप्रिंट करना चाह रहे हैं, इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, शेल इस पे यूज करना चाह रहे हैं, क्लीन करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, चेक में ही मतलब ये इसका ऑप्शन है, चेक पे क्लिक करें, अंडू करना चाह रहे हैं या एग्जिट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारे काम हम कर चुके जो कि चेक में हमारे पास सप्लाई होते हैं। तो ये था हमारे पास चेक। तो चेक का फंक्शन ये होता है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चेक करना चाह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं, तो आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं सॉलिड यहां से मैं एक बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। अब इस बॉक्स पे जब मैं चेक की कमांड अप्लाई करके मैं अपने बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझसे आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपने क्या काम करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल शेल करना चाह रहा हूँ तो मैं शेल पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं शेल के लिए एस प्रेस करूंगा तो शेल आ जाएगा। शेल में करना चाह रहा हूँ और मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, शेल के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप शेल की कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपने शेल की कमांड यूज करनी है, जो भी करनी है आप चेक के थ्रू भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट कमांड जो है शेल। अब एस एंटर करता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को इसको शेल करना चाह रहा हूँ, और कितना शेल करना है मैंने, मैं इसको शेल करना चाह रहा हूँ जी 0.6, एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब देखें ये बस क्या हो गया, शेल हो गया 0.6, देख सकते हैं।
तो आप यहाँ पे शेल की कमांड यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी कमांड आपने यूज़ करनी है आप उस कमांड यूज़ कर सकते हैं चेक में। तो ये था जी हमारे पास सॉलिडिटिंग का लास्ट टॉपिक, और इनशाला आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। और इसमें हम हमने अभी तक ये शेल नहीं किया, तो शेल कमांड भी हम करके देखेंगे, इस पर कंप्लीट डिटेल से देखेंगे शेल कमांड क्या है नेक्स्ट लेसन में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।